तो आप इस लुक को टेन में से कितने नंबर देने वाले हो? मैंने आज ये लुक क्रिएट किया है और इसमें मैंने कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं किया है जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ कंसीलर एंड आई एम जस्ट लविंग दिस सो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यूज़ करेंगे मॉइस्चराइजर दिस इज़ बाय न्यूट्रीजिना एंड दिस इज सो गुड अंडर मेकअप इट्स क्विक एब्जॉर्विंग एंड लाइट वेट सो आई ऑलवेज़ प्रेफर यूजिंग दिस आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो ऑफ़ योर चॉइस नेक्स्ट टाइम गोइंग टू टेक दिस कंसीलर दिस इज़ बाई मेब्लिन फिटमी एंड शेड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मैं इस कंसीलर को बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई करने वाली हूँ अंडर माई आइज़ एंड जहाँ पर भी थोड़ा सा पिगमेंटेशन है या आपको एक्स्ट्रा कवरेज चाहिए बस वहीं पर आप इसे लगाओ जरा ज़रा सा एंड मैं इसको क्विकली अपने फिंगर्स से ही ब्लेंड करने वाली हूँ दिस इज़ द क्विकेस्ट वे टू ब्लेंड योर कंसीलर और फाउंडेशन और अगर मेरी तरह आपका भी ब्यूटी स्पंज वॉश करने के लिए पेंडिंग है सो यू कैन जस्ट यूज़ योर फिंगर्स बिकॉज मेरा स्पंज जो है वो गंदा हो गया था एंड मैं बहुत दिनों से उसे वॉश ही नहीं कर पाई हूँ सो या जस्ट ब्लेंड 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 विद योर फिंगर्स एंड कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है कि आपको एक्स्ट्रा कवरेज की ज़रूरत है तो थोड़ा सा कंसीलर और लगा लीजिए एंड देन जस्ट ब्लेंड इट आउट मुझे यहाँ पे ज़रा सा लग रहा था कि मेरा पिंपल इज पीपिंग आउट थोड़ा सा कंसीलर और लगाया है मैंने एंड जस्ट इट अवे नाउ आई एम गोइंग टू सेट माई कंसीलर विद दिस कॉम्पैक्ट बाई फिट मी एंड पैक का पाउडर पफ है ये एंड जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया है बस वहीं पर मैं इस पाउडर से इसको सेट करूँगी अंडर माई आइज टी जोन एंड इससे मेरा जो मेकअप है वो ज़्यादा लंबे समय तक टिकेगा एंड वो क्रीज भी नहीं होगा सो टेक द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सेट योर फेस सो नेक्स्ट टाइम गोइंग टू टेक दिस ब्राउन काजल बाय शुगर और इसको मैं अपने आईलेट्स पे लगाने वाली हूँ बिल्कुल आईलाइनर की तरह और इसमें आपको बिल्कुल भी प्रिसाइज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसको आगे स्मजी करने वाले हैं सो जस्ट अप्लाई थिन लेयर ऑफ ब्राउन काजल ये बहुत ही सटल लुक देता है एंड योर आइज लुक सो गुड और ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने बहुत ही हैवी मेकअप कर रखा है एंड स्टिल दे लुक सो गुड सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक आई शेडो ब्लैंडिंग ब्रश बाई पैक एंड द आई शेडो पैलेट विच आई एम टेकिंग इज़ बाई हुडा ब्यूटी ये लाइटेस्ट शेड है जो मैं अभी आज यूज़ करने वाली हूँ सो पैटिंग ऑफ द एक्सेस प्रोडक्ट इसको बस अपनी क्रीज पर लगाना है एंड यू कैन बिल्ड इट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस दीज आई शेडो पैलेट्स आर रियली नाइस एंड बिल्डेबल और इसी सेम शेड से थोड़ा सा लाइनर जो अभी लगाया था ब्राउन वाला उसको भी स्मच कर देंगे जिससे कि शार्प एजेस नहीं लगेंगे सॉफ्ट लुक आएगा एंड यस योर आइज़ आर डन ऑलमोस्ट सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक आई शेडो ब्लैंडिंग ब्रश बाई पैक और वही सेम शेड लेके थोड़ा थोड़ा सा आँखों के नीचे वाले पार्ट में भी लगा लीजिए आप एंड उससे हमारी आइज थोड़ी सी और डिफाइन हो जाएंगी एंड येस दे लुक सो गुड ऑलरेडी सो नाउ कम्स माई फेवरेट पार्ट विच इज़ द काजल हेयर आई एम टेकिंग काजल बाई फेसिस कैनेडा और मैं इसको बहुत ही थोड़ा सा अपनी आउटर कॉर्नर ऑफ आइज में लगाने वाली हूँ मैंने पूरी आइज़ कवर नहीं करी है आप यहाँ पे ब्लैक की जगह ब्राउन काजल भी ले सकते हो सो फॉर माई आईब्रोज आई एम गोइंग टू टेक दिस किट फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड सबसे पहले आईब्रोज़ को ब्रश कर लीजिए इन द अवर डायरेक्शन इसके बाद इसमें जो डार्कर शेड है उसको लूँगी मैं और फिर अपने हाथों पे स्मच करूँगी क्योंकि डायरेक्टली लगाने से थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है बिकॉज दीज शेड्स आर वेरी पिगमेंटेड लगाने के बाद आप लास्ट में वैक्स की हेल्प से दोबारा एक बार और आईब्रोज ब्रश कर लीजिए एंड नाउ दे आर ऑल सेटल्ड फॉर द होल डे नेक्स्ट अप इज मस्कारा एंड दिस इज़ फ्रॉम रेवलॉन एंड मैं जनरली फॉल्स आई लैशेज यूज़ नहीं करती हूँ सो फॉर मी मस्कारा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आई मेकअप बहुत ध्यान से लगा रही हूँ मैं वरना ज़रूर इधर उधर कहीं ना कहीं ये टच हो जाता है एंड उसके बाद थोड़ा सा लोअर लैश लाइन में भी लगा लूँगी मस्कारा डन एंड नाउ इट्स टाइम फॉर लिप्स यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की ये लिपस्टिक इन द शेड मोर बफ दिस इज़ पिंक न्यूट काइंड ऑफ शेड एंड इट इज़ वेरी कम्फर्टेबल ऑन लिप्स और ये लॉन्ग लास्टिंग है बट येस इट इज़ नॉट ट्रांसफर प्रूफ सो या यू कैन कीप दिस इन माइंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टेक दिस लिप ऑयल फ्रॉम एलेग गर्ल एंड मुझे ग्लॉसी लिप्स बहुत पसंद हैं और आज कल ट्रेंडिंग भी हैं सो आई एम जस्ट अप्लाइंग अ सिंगल कोट और इसको दो तीन घंटे बाद री अप्लाई करना पड़ता है सो so, मैं इसको हमेशा अपने पास में रखती हूँ अगर मैं कहीं बाहर किसी पार्टी को अटेंड करने जा रही हूँ सो या आई थिंक uh, मैं कुछ भूल रही हूँ एंड हाउ कैन आई फोगेट द ब्लश सो हेयर आई एम यूजिंग माई पैक ब्लश ब्रश एंड यूजिंग दिस मेबलिन फिट मी ब्लश मैं अपने चीक्स पेस को अच्छे खासे अमाउंट में लगाने वाली हूँ पैटिंग द एक्सेज ऑफ एंड हेयर आई एम गोइंग टू कम्प्लीट द लुक और ब्लश के बिना तो कोई मेखा पूरा हो ही नहीं सकता एंड थोड़ा सा नोज़ पर भी लगा लेते हैं थोड़ा सा और ब्लश लगा लेते हैं दिस ब्लश इज़ सो गुड एंड इट इज़ बिल्डेबल एंड यू कैन सी दिस इज़ सो सटल एंड द शेड इज सो गज आई रियली लव यूजिंग दिस मेरे पास एक क्रीम ब्लश भी है के ब्यूटी का बट ऑन द गो मैं इसको यूज़ करती हूँ बिकॉज इट्स क्वाइट ईजी टू अप्लाई एंड यू कैन सी दिस शेड इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग माई स्किन टोन क्वाइट वेल And with this, the whole look is completed, and I haven't used any foundation in this tutorial. And yeah, that's the final look. I hope you enjoyed watching this. And if you are new here, please subscribe to my channel, and I'll see you in my next one.